यूक्रेन में जॉर्जिया के सैनिकों का कहर देखने को मिल रहा है। रूसी ठिकानों पर मशीन गन से हमला किया है यहां पर जॉर्जिया के सैनिकों ने। जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं जॉर्जिया के सैनिक और रूसी ठिकानों पर उन्होंने मशीन गन से अटैक किया है। तो जॉर्जिया की तरफ से भी यहां यूक्रेन का साथ दिया जा रहा है और कैसे जॉर्जिया के सैनिकों ने मशीन गन से रूस के ठिकानों को निशाना बनाया, रूस के सैनिकों को निशाना बनाया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है महायुद्ध के मैदान से, जहां यूक्रेन ने अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। उत्तरी यूक्रेन में एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। अमेरिका से यूक्रेन को मिला है यह एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम। एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, इससे क्या ताकत मिलेगी यूक्रेन को, आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से। डॉक्टर घोष, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इधर आ जाए। देखिए, हम आपको हमेशा की तरह अपने स्टूडियो में 3D ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं कि आखिर ये जो डिफेंस सिस्टम है एवेंजर, ये क्या करता है, क्या खासियत है इसकी। आपके सामने देखिए, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी हवा से आ रहे हमले को ये नाकाम करेगा। इसका वजन करीब 4000 किलो का है, लंबाई इसकी 16 फीट से ज्यादा है, चौड़ाई 7.2 फीट है, ऊंचाई 8.8 फीट, रेंज इसकी 450 किलोमीटर के आसपास है और स्पीड इसकी 87 किलोमीटर प्रति घंटा है। डेफिनेटली ये मदद जरूर करेगा यहां पर यूक्रेन को। मैं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपका चाहता हूं यहां पर डॉक्टर घोष, क्या इस तरह के हथियार भी यूक्रेन को बहुत मदद दे रहे हैं? जी हां, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जो शॉर्ट रेंज और टैक्टिकल मिसाइल्स के लिए हैं वो काफी इस्तेमाल भी करते हैं और सहायता भी करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग मतलब मीडियम रेंज मिसाइल्स के विरुद्ध कुछ इतना असरदार नहीं है। तो इनको ऑफ कोर्स इस्तेमाल करते हैं यूक्रेन। ठीक है, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन, आपका क्या व्यू है इस एवेंजर पर? देखिए, एवेंजर सिस्टम जो है आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गौरव, हमको ये समझाना जरूरी है, एयर डिफेंस सिस्टम को एक सेमी मोबाइल या स्टैटिक सिस्टम माना गया है, क्योंकि आप एक जगह पे उसको लगाते हैं तो उसको साइटिंग वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन ये जो सिस्टम है जो मेरे पीछे मैंने लगाया हुआ है और जैसे आपने फ्लोर ग्राफिक्स में भी दिखाया हुआ है जी, ये शूट एंड स्कूट वाला है, जिसका मतलब इस एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है, जिसको जो हवाई जहाज से या सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल से, इस सिस्टम को आप निकाल इक्वेशन से हटा ही नहीं सकते, क्योंकि ये यूएवी के ऊपर या आने वाले फाइटर के ऊपर मारेगा और अपना जगह बदल देगा। ठीक, तो आप इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी बहुत अच्छी है, रेंज मीडियम रेंज, इनफैक्ट एंटी मिसाइल। क्या ये माने, क्या ये माने जनरल बख्शी, सॉरी मैं सर मैं आपके पास आता हूँ, समय कम है, जनरल बख्शी क्या ये माने यही वो हथियार है, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे ये एवेंजर हो, जिन्होंने यूक्रेन को इस वॉर में इतने समय तक टिकाया हुआ है? क्योंकि अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो कोई कंपैरिजन तो यूक्रेन और रूस का हो नहीं सकता। नहीं, देखिए, जहां तक ये लड़ाई ने क्यों ऐसा रुख लिया है, मैं समझता हूं कि रूस ने पहले बहुत अंडर एस्टिमेट किया था यूक्रेन की पावर को। 1.5 लाख की फौज के साथ उन्होंने कोई 4.5 लाख की यूक्रेन की फौज पे हमला किया है। लेसन लर्नड ये है जी, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके पास हो, मैन पावर अगर आप बिल्कुल ही शू स्ट्रिंग पे रखेंगे तो तकलीफ आपको होगी। ठीक है, रूस को तकलीफ हुई और पिछले सितंबर उसको मोबिलाइजेशन करने पे मजबूर हो गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल उसका पलड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि मैन पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है उसके पास। ये सारे जो हथियार हैं इनमें से कोई मुझे बड़ा सीरियस गेम चेंजर नहीं दिख रहा।